नहीं जानता भैया, जानवी दुबे जी फराक खूटा सब फाटल बा, इन्हीं के साथ सॉन्ग आया था सब। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ तो आपने काम कर लिया और फर्स्ट मतलब सॉन्ग उन्हीं के साथ हुआ है ना, अब क्या तमन्ना है, मतलब किन के साथ आप काम करना चाहते हैं? वैसे तो मैंने सोचा है कि खेसारी सर के साथ भी मिल जाए काम, बढ़िया नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी फिलहाल है हम लोग भैया नवाबों के शहर लखनऊ, हमारे साथ है रत्नेश भैया, इनको कौन नहीं जानता, पूरा यूपी बिहार के पूरा मैनेज करते हैं सभी लड़कियां की यही, और इनको देखिए इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करते हैं, क्रिएटर्स को मैनेज करते हैं, ऐसे ही विवाद में है हम, विवाद में है। और हमारे साथ पवन सिंह पावर स्टार के हीरोइन है, इनको कौन नहीं जानता भैया, जानवी दुबे जी फराक खूटा सब फाटल बा, इन्हीं के साथ सॉन्ग आया था। सबसे पहले दोनों को नमस्कार, कैसे हैं? नमस्ते, कैसे? बहुत बढ़िया। और आपके माध्यम से इस चैनल को देखने वाले सभी को नमस्कार। अच्छा, सबसे मेरा फर्स्ट सवाल जानवी जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम वैसे लखनऊ के ही रहने वाले हैं। लखनऊ के जी? अरे भाई, इसीलिए का काम मिल गया जी, कौन सी लखनऊ में रहते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या था कि इनका वीडियो भैया देखे थे। अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तो भैया बोले कि भाई कहाँ है, इनको बुलाइए। काम कैसे मिला आप ये बताइए। काम मुझे इंस्टाग्राम थ्रू मिल गया, सर ने मुझे दे दिया, मुझे बुलाया भैया ने, मुझे मतलब मुझे बुलाया तो मैंने सोचा चलती है। अच्छा, इसमें भैया का सबसे ज्यादा योगदान रहा है? सबसे भैया का योगदान है, यानी कि हीरोइन। अच्छा, ये हीरोइन ही बनवाते हैं लोग, वही पावर स्टार का। देखिए, बहन का टैलेंट है तो भैया देखे तब तो मतलब बोले कि भाई ये कहाँ की है, तो मेरा काम था बस सर्च कर लेना, तो सर्च किए और भैया का आशीर्वाद है कि बहुत जल्द इनका एल्बम भी आ गया और बहुत ही अच्छा एल्बम हुआ था। बहुत बढ़िया, आप सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को, सबसे अच्छी बात है कि लोग आजकल सपोर्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को का, और सपोर्ट किए तो और क्या चाहिए, क्या चाहिए। अच्छा, ये बताइए पवन सिंह जी के साथ सेट पर काम करके कैसा लगा, कितना मस्ती किया था शूटिंग में? मस्ती तो बहुत हुई, डर भी लगा, लेकिन सर ने इतने अच्छे से एंजॉय करके हमको करा दिया, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, काम करने से पहले आप पहले भी पवन सिंह जी से मिले थे या नहीं मिले थे? मिले थे, इवेंट में भी आई थी मैं और पर्सनली हम लोग मिले भी थे, भैया भी साथ में थे, मम्मी भी साथ में थी, भाई भी साथ में था, मिले थे। ये इनको हमने बुलाया था पियर फराक जो था। अच्छा, अच्छा। उसके सॉन्ग लॉन्चिंग में और उसके शायद नेक्स्ट डे ही शूट हुआ था, शूट हो गया था। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ तो आपने काम कर लिया जी, और फर्स्ट मतलब सॉन्ग उन्हीं के साथ हुआ है ना, अब क्या तमन्ना है, मतलब किन के साथ आप काम करना चाहते हैं? ऐसे ही सबके साथ काम मिल जाए, अच्छे लोग के साथ काम, जो हमको मेरे कला को पहचाने और वो काम दे तो मैं जरूर करूंगी काम। अच्छा, रत्नेश भैया जी के आप कितना मतलब थैंक यू बोले थे? भैया को मैं इतना थैंक यू बोलूंगी कि बोलती ही रह जाऊंगी, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं और क्या बोलते हैं, भैया मुझे अपनी बहन मानते हैं, वो भी अपनी बहन। अरे अपनी बहन है, इसमें बोलने वाली क्या बात है। और दूसरा कि ये इसका बड़प्पन है, इसका प्यार है कि ये इतना स्नेह करती है, खुद ही टैलेंटेड है, तो जो टैलेंट जिसके में है ना तो वो ऐसे ही भी है, उसका रहता है ऐसे ही, उसका कला रहता है, डाउन टू अर्थ रहता है। भाई कहावत कहते हैं ना, जिस पर पेड़ में फल रखे रहते वो झुका रहता है, ये वो बेस्ट एग्जांपल है। बाकी सब जो है जिसको कुछ नहीं है तो अफवाह उड़ाना है, कुछ भी बोल देना है, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए जानवी जी, घर से कितना सपोर्ट था, क्योंकि लोग बोलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री गंदा है, इसमें नहीं जाना चाहिए, ये वो अनाप शनाप, आप ये बताइए। तो मेरे घर से पूरा फुल सपोर्ट है, कोई दबाव नहीं है, बस मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहेंगे तो मैं बहुत आगे बढ़ूंगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जब इंस्टाग्राम पर स्टार्टिंग में आप रील्स बना रहे थे, उससे पहले दूसरा कोई प्लेटफॉर्म रहते हैं? टिकटॉक बना रही थी तो बैन हो गया, और उसके आगे फिर गाँव वाले के अगल बगल मोहल्ला वाले कैसा रिएक्शन था जब टिकटॉक पे या इंस्टा पे आए थे, तो नाच कर रही है, डांस कर रही है, ऐसा कुछ बोलते हैं? बोलते थे, लेकिन मैं इतने अच्छे तरीके से हर चीज करती हूँ ना कि मुझे लोग बोल ही नहीं पाते, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरे फैमिली को लगता है ऐसा। और एक बात और भैया, लोग बोलते हैं कि पवन सिंह जी मूडी हैं, गुस्सा करते हैं सेट पे, ऐसे वैसे, आपको कैसा लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं, मुझे मजाक में मेरे साथ और अच्छा करो और बेहतर करो, मुझे तो ऐसे भी बोल रहे थे। अच्छा, एक लाइन अगर गाना आपको याद हो तो थोड़ा सा गुनगुना। भोजपुरी गा नहीं पाती मैं, सॉरी इसके लिए। अच्छा, भोजपुरी के देखिए यही गलत बात है, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना रील्स भी बना रहे हैं, नहीं गाने में लजाते हैं, वाह। नेक्स्ट टाइम मैं जरूर सुनाऊंगी। नहीं। अच्छा, आप लजाते हैं, पब्लिक प्लेस में आपको अगर डांस करने को मिले तो नहीं करिएगा? कर लेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा आवाज के लिए नहीं हो सकता मुझसे, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके YouTube पे मोर देन 5 लाख सब्सक्राइबर्स, और इंस्टा पे 1 मिलियन होने वाला है, तो जो प्रोजेक्ट मिले अच्छा मिले,
और इससे बहुत सारे इसके फैंस जो हैं इंस्पायर होते हैं। ये कुछ भी इसका एक गलत कदम ना तो दूसरे को मोटिवेट नहीं करने के बजाय डाउन करेगा, तो इसलिए अच्छे प्रोजेक्ट करेगी और हो सकता है भैया के साथ फिर एक प्रोजेक्ट कर ले। चलिए बहुत बढ़िया। तो भैया ये थे हमारे साथ जानवी दुबे जी और रत्नेश भैया। अगर आपको इवेंट में आना हो, आप अगर लेडीज हैं या जेंट्स हैं जो भी हैं, काम अच्छा अगर कर रहे हैं तो इनसे कांटेक्ट करिए, ये आपको काम भी दिलाएंगे और इवेंट में भी बुलाएंगे। लेकिन हाँ, सही से गलती ना, स्टोरी ना। काफी लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बार मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।